इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें कुछ ऐसे बेसिक टूल्स पढ़ेंगे हम लोग जो आगे मैथ्स मैथ्स में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, लॉगरिथम्स इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं, लॉग फंक्शन कैसे क्या होता है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीजें बिल्कुल जो आपको शायद आती भी होंगी, पहले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब एक क्विक रीजन होगा जस्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट से, ठीक है। तो पहले सेट होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन सभी को पता होगी ऑलमोस्ट। सेट क्या होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये ऑलमोस्ट सभी ने रटा होगा, ठीक है। सेट क्या होता है, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कुछ चीजों को हम इकट्ठा कर दें, पर वो चीजें कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड किस चिड़िया का नाम है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो समझ में आ रहा है, कुछ चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, पर वो चीजें कैसी हैं, वेल डिफाइंड है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास दो बंदे हैं, एक बंदा है अरुण, ठीक है, एक बंदा है उमर, ओके। दो बंदे हैं हमारे पास, एक है अरुण एक है उमर। हम दोनों से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। हमने दोनों से पूछा कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। हमने क्या पूछा कि हमारे सोलर सिस्टम में, इस सोलर सिस्टम में कितने टोटल प्लैनेट्स हैं। तो हमारे अरुण का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सब सर 8 प्लैनेट्स हैं इसमें, ठीक है। अच्छा उमर क्या क्या आंसर होगा, अगर उमर भी पढ़ा लिखा लड़का है तो उसका भी आंसर वही होगा, ठीक है, आंसर अलग तो होगा नहीं। दोनों क्या बताएंगे कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अगर हमने ये पूछा दूसरा क्वेश्चन कि अरुण और उमर ये बताओ कि जो रेनबो दिखता है हमको उसमें कितने कलर्स होते हैं, ठीक है। अरुण क्या बताएगा, अरुण ने बताया सर उसमें 7 कलर होते हैं, ये होते हैं कौन से, दीप की ओर, ठीक है। अच्छा उमर भी पढ़ा लिखा है, वो भी क्या बताएगा, बिल्कुल सही आंसर है, वो भी आंसर क्या बताएगा कि हाँ विप की ओर सही आंसर है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। अगर हमने ये पूछा कि अच्छा ये बताओ टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कौन से हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स इंग्लिश में कितना है, कितने हैं, तो अरुण क्या बताएगा सर ए ई आई ओ और यू है। अच्छा उमर कितना बताएगा, उमर वही बताएगा कि हाँ ए ई आई ओ यू, इतने वॉवल्स हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लग रहा है, हमको हमने कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर हमको अरुण से, उमर से या फिर कोई और भी आ जाए, ए बी सी, सब सब आंसर क्या देंगे, बिल्कुल सेम देंगे अगर वो पढ़े लिखे हैं तो, ठीक है। तो अगर हम किसी भी बंदे से पूछेंगे कि कितने प्लैनेट्स हैं तो क्या बताएगा, 8 प्लैनेट्स हैं। तो हमको कलेक्शन क्या कर रहे हैं, हम 8 प्लैनेट्स का कलेक्शन, तो इसमें कोई कोई नया बंदा मतलब कोई भी अलग नहीं आएगा इनके अलावा, ठीक है। अगर हम ये बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो, मतलब रेनबो के जितने भी कलर्स हैं उनका कलेक्शन, तो हर बंदा वही बोलेगा कि नहीं ये 7 कलर्स ही होते हैं उसमें। अगर हम ये बोलेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हर बंदा ये बताएगा नहीं उसमें 5 ही अल्फाबेट होते हैं, वो क्या होता है ए ई आई ओ यू। कोई भी यहाँ पे कोई नाराज नहीं होगा किसी से, ठीक है, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होगी। बट अगर हम यही क्वेश्चन इनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ अच्छा तुम दोनों कि तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है, उसका कलेक्शन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इनके फेवरेट, इन दोनों के फेवरेट फुटबॉल प्लेयर का कलेक्शन करते हैं। तो अरुण ने बताया मेरा फेवरेट फुटबॉलर है रोनाल्डो, ओके रोनाल्डो। एंड उमर ने बताया नहीं भाई मेरा फेवरेट प्लेयर तो है मेसी, कौन है, मेसी। अब ये अगर मान लो कोई और बंदा होता, ठीक है, उससे हम पूछते, वो बता सकता था रॉड्रिगेज। तो यहां पे क्या हो रहा है, आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। सपोज पर हम ये पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है, इंडिया क्रिकेट टीम। सपोज हमने पूछा इससे कि बताओ फेवरेट क्रिकेट टीम कौन सी है, और उन्होंने बताया नहीं भाई हम तो इंडिया वाले हैं, ठीक है। उमर ने क्या बोला, हम तो साहब पाकिस्तानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर अलग अलग मिल सकते हैं। कोई और बंदा हो उसको बोलेगा नहीं मेरी फेवरेट टीम तो श्रीलंका है, कोई बोलेगा ऑस्ट्रेलिया है, कोई बोलेगा न्यूजीलैंड है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं हमको, मतलब जो हमारा कलेक्शन होगा उसमें अलग अलग बंदों के हिसाब से अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अगर हम एक टीम एक कलेक्शन ऑफ कलेक्शन कर रहे हैं किसका, फेवरेट टीम्स का, तो उमर के हिसाब से इंडिया आएगा उसमें, उमर के हिसाब से सॉरी पाकिस्तान आएगा, और अरुण के हिसाब से क्या आएगा, इंडिया आएगा, किसी और के हिसाब से न्यूजीलैंड आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कलेक्शन में एलिमेंट्स है वो यूनिक नहीं है, मतलब यूनिक का मतलब है कि एमयूटी है, यहाँ पे किसी बंदे के हिसाब से कुछ आएगा, किसी बंदे के हिसाब से कुछ आएगा। तो यहाँ पे हम इनको हम कहेंगे कि ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। बट अगर हम ऊपर वाला केस लें तीनों, तो अगर हम कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स की बात करें, कलेक्शन ऑफ कलर्स इन रेनबो की बात करें, या फिर कलेक्शन ऑफ वॉवल्स की बात करें, तो ये तीनों कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, ये क्या है, वेल डिफाइंड,
डिफाइंड, ठीक है। तो हम इनको वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसको हम बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं सेट। इसका मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम वो एक सेट है, ठीक है। अगर हम बोले कलेक्शन ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ रेनबो वो एक सेट है क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवल्स ऑफ अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट तो वो भी क्या है, एक सेट है क्योंकि उसमें सारे सारे एलिमेंट्स कौन से आएंगे, हमेशा पांच ही आएंगे, किसी से पूछ लो, ठीक है। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ फेवरेट क्रिकेट टीम ये सेट नहीं है, कलेक्शन ऑफ फेवरेट प्लेयर ये सेट नहीं है, अगर हम पूछे कलेक्शन ऑफ फेवरेट फ्लावर सेट नहीं होगा क्योंकि किसी के हिसाब से किसी को कमल पसंद है, किसी को गुलाब पसंद है, किसी को चमेली पसंद है ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि सेट में किसी से भी बंदे से पूछे हम सबके हिसाब से जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेम आने चाहिए। ओके आई होप ये क्लियर हो गया होगा सेट क्या होता है। आगे देखते हैं सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है तो पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है उसमें टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों क्या क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में हम क्या कहते हैं करते हैं कि हम लोग क्या लिखते हैं, सेट का नाम लिखते हैं जो कि कैपिटल लेटर्स में होता है, ठीक है, पढ़ा होगा पहले से, और इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग क्या करते हैं, कॉमा सेपरेटेड लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ए एक सेट है जिसमें 1 to 5 एलिमेंट्स हैं जो भी सारे क्या है नेचुरल नंबर्स, तो 1, 2, 3, 4 and 5 ये क्या हो गया टेबुलर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हो गया इसको हम कहते हैं सेट का नाम, सेट नेम, ठीक है। ये क्या होते हैं एलिमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पर सपोज करो अभी हमारे पास पांच एलिमेंट्स है तो हम लिख सकते हैं, सपोज करो ये 10 एलिमेंट होता 100 होता फिर भी हम 100 लिख सकते थे, बट अब अगर हमारे पास 1000, 10000, 12000, 15000 बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये मेथड ज्यादा सुटेबल नहीं है, तो उसके लिए हम दूसरा मेथड लेके आते हैं, एक होता है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। इसमें हम कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक सेट है ए, इसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ओके। एक सेट है ए, ठीक है, जिसको हमने क्या लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ एक सेट है, किसका सेट है ऑल एक्स वो सभी एक्स का सेट है जहां पर ये, इसको पढ़ते हैं हम लोग सच दैट मतलब इस सेट में सारे एक्स आने वाले हैं सच दैट, वो एक्स कैसे होनी चाहिए उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है x square equals to 4 such that x square equals to 4, तो ये अपनी क्या हुई कंडीशन, मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इस सेट में कौन आने वाला है x आने वाला है और वो x कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे कंडीशन लिखे रहेंगे हम, वो कंडीशन क्या है x square equals to 4 मतलब x एक ऐसा नंबर है जिसका अगर स्क्वायर करें तो 4 हो जाए, मतलब x equal to क्या है ±2, ओके। तो अगर हम टेबलेट फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, a equals to कर्ली ब्रैकेट और जो भी एलिमेंट्स उसको कॉमा सेपरेटेड, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है x square equal to 4 मतलब x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 4 आ जाए, तो एक हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा -2, तो 2, -2, तो हम चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। तो ये हो गया टेबलर फॉर्म जिसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबको कॉमा सेपरेटेड लिख देते हैं, पता होगा पहले से, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है a equals to x such that x square equal to 4 मतलब एक वेरिएबल होता है उसके बाद सच दैट उसके ऊपर कुछ कंडीशन होती है यहाँ पे, ओके। तो इसमें क्या होता है अगर सपोज करो हमारे पास इन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, पर अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं टेबलेट फॉर्म में लिखना उसको दिक्कत जाएगी, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक सेट दिया हुआ a equals to 1, 2, 3, 4 and 5 इसको हमको लिखना है ये टेबलेट फॉर्म में है, इसको हमको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे a equals to यहाँ से पहले आइडेंटिफाई करो कि ये इनमें कुछ पैटर्न होगा, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में होगा क्या होगा उसमें कुछ ऐसा पैटर्न बनना होगा कि जिससे हम उसको छोटा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये सारे सारे क्या है नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से लेकर 5 तक, तो इसको ऐसा लिखेंगे एक सेट है जिसमें कौन आने वाला है एक्स आने वाला है और वो एक्स कैसा होना चाहिए तो सच दैट एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, ओके। मतलब एक्स कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर नहीं हुआ तो 5 से छोटे तो 4.5 भी आता है, ओके, 5 से छोटा -2 भी आता है,
एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी हमको कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। सपोज दूसरा सेट दिया हुआ है बी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। अगर इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी इक्वल्स टू पहले पैटर्न पैटर्न आइडेंटिफाई करो। पैटर्न का क्या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। देखो 2 के सारे मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 2 का फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल और फिफ्थ मल्टीपल। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × x, इसमें कौन आने वाला है, 2 × x आने वाला है, ठीक है। मतलब अगर x 1 हुआ तो 1 × 2 मतलब 2 आने वाला है, x अगर 2 हुआ तो 2 × 4 आने वाला है, अगर x 3 हुआ तो 3 × 6 आने वाला है, ओके। और x कैसा होना चाहिए, ये है 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5। तो x क्या होना चाहिए 1 से लेकर के 5 तक, मतलब x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर, ठीक है। प्रेजेंस ऑन सेट्स, मतलब कुछ सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशन करते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा यूनियन, यूनियन कैसा होता है, यूनियन को डिनोट करते हैं ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है, अपने पास दो सेट हैं ए और बी, तो उसका यूनियन, इसका सेंस क्या होता है, इसका यूनियन का मतलब होता है कि इट कंटेन्स, जो यूनियन वाला यूनियन ए का यूनियन कर रहे हैं बी से, तो हमको क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा, ठीक है। अब उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो इट जो सेट होगा इट्स इट कंटेन्स कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी, और जो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स आर रिटन ओनली वंस, ओके। तो जब भी हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, उसका यूनियन का मतलब क्या होता है, उसका यूनियन करेंगे तो हमको एक सेट मिलेगा, ठीक है। और उस सेट में क्या कौन से एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे ए के, सारे एलिमेंट्स होंगे बी के, पर अगर कोई एलिमेंट जो रिपीट हो रहा होगा तो उसको हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ओके। दूसरा क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है, अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको एक सेट मिलता है, और उस सेट में क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी बोथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम भी एक दो सेट है अपने पास ए और बी, इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ऐसा सेट मिलता है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। एक और हम परफॉर्म करते हैं इसमें, वो होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सपोज ए माइनस बी है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए में से बी को घटा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में प्रेजेंट हो पर बी में ना हो, मतलब ऐसा कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट होंगे वो ए में से गायब हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, कोई एग्जांपल्स देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके। इससे आई होप सारे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सपोज अपने पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ओके। एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4। एक और सेट ले लेते हैं, सपोज एक एलिमेंट है सी जिसके एलिमेंट्स हैं 5 एंड 6, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। सपोज हमको निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या था, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं जो ए में है और बी में है, और जो रिपीटेड होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे उसको, ठीक है। इसका मतलब सारे ए के एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। सारे बी के एलिमेंट भी आएंगे, पर अगर जो आ चुके होंगे उसको लिखेंगे नहीं दोबारा, ठीक है। जैसे 2 यहाँ पहले से आ चुका, 3 पहले से आ चुका, 4 पहले से आ चुका, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। सपोज ऐसे अगर हमको निकालना होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट का यूनियन लेना है हमको, तो क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, बी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे तो 2 पहले से आ चुका है, 3 पहले से आ चुका है, 4 पहले से आ चुका है, ठीक है।
सी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, फाइव पहले से आ चुका है, सिक्स अभी नहीं आया, सिक्स को नोट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। सपोज हमको निकालना होता बी यूनियन सी, अब क्या आएगा, तो बी का यूनियन लेंगे किससे, सी के साथ। तो देखिए पहले बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे टू थ्री एंड फोर, फिर सी के फाइव यहाँ पे प्रेजेंट नहीं पहले से ऐड कर दिया, सिक्स यहाँ प्रेजेंट नहीं पहले से ऐड कर दिया। ठीक है, सपोज हमको निकालना होता है ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब क्या, ए और बी में जो दोनों में कॉमन हो, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो। तो देखें ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, वन इसमें है इसमें नहीं है, ठीक है, टू दोनों में है, ठीक है, फिर थ्री भी दोनों में है, फोर भी दोनों में है और फाइव नहीं है। ठीक है, अगर हम निकाले बी इंटरसेक्शन सी तो क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो बी में भी हो और सी में भी हो। तो देखिए दो इसमें है पर इसमें नहीं है, तीन इसमें है इसमें नहीं है, फोर इसमें है इसमें नहीं है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसा एक ऐसा सेट आएगा जिसमें कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जीरो। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। तो इसको हम डिनोट करने का तरीका ये है, मतलब कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको कहते हैं नल सेट। या फिर एक और तरीका है इसको डिनोट करने का, पता होगा पहले से, इसको हम कहते हैं फाई। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को कि ये नल सेट है, ठीक है, ये भी क्या है नल सेट है, और अगर हम ऐसा लिख दें ये क्या है, ध्यान से देखें, तो ये नल सेट है, ये भी नल सेट है, ये दोनों दोनों क्या है नल सेट, बट ये नल सेट नहीं है, ये कैसा है सिंगलटन, सिंगलटन सेट है, मतलब इस एक ये ऐसा सेट है जिसमें कौन एक एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है फाइव। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे, नल सेट मतलब या फिर ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसा लिख दिया मतलब ये नल सेट नहीं है, ठीक है, वो एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है वो क्या है फाइव। ओके, सपोज हमको निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो जो तीनों में कॉमन हो, तो ध्यान से देखें वन इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, टू इसमें है पर इन दोनों में नहीं है, इसमें है पर इसमें नहीं है, तीनों में जो कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से थ्री इसमें है इसमें पर इसमें नहीं है, फोर इसमें इसमें है इसमें नहीं है, फाइव इसमें और इसमें है पर इसमें नहीं है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, तो क्या होगा ये नल सेट, या फिर इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं फाइव। ठीक है, सपोज और कुछ निकालना है हमको, बी इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन सी, अगर हमको ये निकालना है ए और सी में क्या क्या है जो ऐसा कॉमन है, तो क्या क्या है, वन कुछ भी नहीं है कॉमन, देखिए फाइव है कॉमन, फाइव ए में भी है और सी में भी है, तो इसमें क्या आने वाला है सी फोर सी फाइव है। ठीक है, तो ये हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन की बात। एक और बचा सब्सट्रैक्शन, वो देख लेते हैं कैसे होता है। सपोज ए माइनस बी, हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ए में से बी को हटाना है, इसका मतलब क्या है, इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो पर बी में ना हो। ओके, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में दोनों में होंगे वो हट जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ए है वन, ए में है पर बी में है क्या, नहीं है, मतलब ये आने वाला है। ठीक है, टू ए में भी है और बी में भी है, तो इसकी कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट जो ए में हो सिर्फ वो आएगा, जो बी में हो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो टू बी में भी है ये नहीं आएगा, थ्री बी में भी है तो ये भी नहीं आएगा, फोर भी बी में है तो ये भी नहीं आएगा, और फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ए माइनस बी। सपोज अगर हमको कैलकुलेट करना होता बी माइनस सी तो क्या आएगा, इसका मतलब है वो एलिमेंट्स जो बी में हो पर सी में ना हो। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जो बी में हो पर सी में ना हो, टू इसमें है पर इसमें नहीं है, थ्री इसमें है पर इसमें नहीं है, फोर इसमें है पर इसमें नहीं है, तो सारे एलिमेंट्स बी के आ जाएंगे क्योंकि कोई भी इसमें नहीं है सी में। ठीक है, तो कौन कौन आएगा, टू थ्री एंड फोर। अगर सपोज निकालना होता हमको सी माइनस ए, आप क्या करेंगे, सी माइनस ए मतलब सी के एलिमेंट्स जो ए में ना हो। ठीक है, सी माइनस ए का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो सी में तो हो पर ए में ना हो, तो सी सी में कौन सा एलिमेंट है फाइव, क्या ये ए में है, हाँ है, तो इसको नहीं लेंगे। सी में कौन सा एलिमेंट है सिक्स, क्या ये ए में है, नहीं है, तो इसको हम ले लेंगे, तो सी माइनस ए कितना आ गया सिक्स। ठीक है, आई होप इतने से क्लियर क्लियर हो गया होगा यूनियन डिवीजन और माइनस कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।